ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। हम मातेश्वरी नमो नमः। हम मातापितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। कर्क राशि, कर्क राशि का अप्रैल का महीना शनि का अष्टम कंटक शनि ढैया लगने के समय अप्रैल महीना राशिफल, अप्रैल महीना का राशिफल तीनों नक्षत्र के लिए पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि, पुष्या कर्क राशि, अश्लेषा कर्क राशि, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करते हैं कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र। कर्म क्षेत्र में सहकर्मियों का सहायता मिलेगा। कर्क राशि का पुनर्वसु नक्षत्र व्यवसाय कर्म में लाभवान होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य और पारिवारिक शांति प्राप्ति का योग है। कर्क राशि वालों का इस महीना ग्रह सघर में कई प्रकार के मांगलिक कार्य होंगे। पारिवारिक शांति बढ़ेगा। कार्य में मन थोड़ा सा विच्छेद रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि के बाद बात करते हैं पुष्या नक्षत्र। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। पुष्या नक्षत्र कर्क राशि इस महीना आपका फल मध्यम रहने वाला है और इस महीना कर्म क्षेत्र में अग्रगति करने का पूरा प्रयास करेंगे। मन बहुत शांत भी दिखाई देगा। दान धर्म कार्य में मन आग्रही होगा। आय बढ़ सकता है। दूर स्थान का यात्रा खुल सकता है। कई प्रकार के दूर स्थान का यात्रा आपके लिए हो सकता है। पारिवारिक जीवन में अतिथि अभ्यागत आने का बड़ा संभावना है। नए बंधु मिलन का योग, दूर स्थान प्राप्त यात्रा, नौकरी क्षेत्र में उदार भाव, व्यवसाय क्षेत्र में लाभ, पढ़ाई के क्षेत्र में शुभ फल मिलने का छात्रों के लिए यह महीना ग्रह स्थिति बता रहे हैं। इस महीना थोड़ा सा आगे चलते हैं कर्क राशि का। अश्लेषा नक्षत्र के ऊपर फोकस करते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि कार्य में थोड़ा सा विलंब होगा। आलस्य बढ़ सकता है। मन अच्छा नहीं रह सकता है। आय व्यय करीब करीब समान रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में शत्रुता बढ़ सकते हैं। संकुचित मानसिकता बन सकता है। व्यवसाय में शुभ फल मिलने का संभावना होते होते रुकेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्र सुफल प्राप्त करने का कोशिश करने से भी थोड़ा बाधा हो सकता है। ये था तीनों नक्षत्रों का शनि के ढैया के समय का राशिफल। नेचुरली शनि बाबा अभी अष्टम में चल रहे हैं तो थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि इस महीना तारीख वाइज डेट वाइज आपको क्या मिलने वाला है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग आलोकपात करते हैं। कर्क राशि एक तारीख के को आनंद श्री चंद्र, तीन चार व्याकुलता और भय, पांच छह सात कार्य सिद्धि और मन में चंचलता और गर्व और घमंड, आठ और नौ प्रतिरोध द्रव्य नष्ट धन हानि, दस ग्यारह पढ़ाई लिखाई और मान सम्मान में कहीं ना कहीं हानि, सावधान रहें। 12-13 को मानसिक दृष्टता कर सकते हैं। 14-15 नया बंधु मिलन शुभ संवाद। 16-17 धन क्षय शारीरिक कष्ट मानसिक पीड़ा। 18-19 परोपकार करके मान सम्मान का प्राप्ति में मन जाएगा। 20-21-22 कार्य सिद्धि प्रसन्नता स्वस्थता आनंद। 23-24 धनालमय लाभ परोकार परोपकार और सुसंवाद प्राप्ति। 25-26 मानसिक लेवल पे धोखा खाना। 27-28-29 मान सम्मान। 30 घात चंद्र एक्सीडेंटल इंपैक्ट दे सकता है। सावधान रहने का आवश्यकता है। अभी हम लोग आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रह स्थिति के अनुसार आपके लिए क्या फल इंतजार कर रहा है अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना सर्वप्रथम बात करते हैं कर्क राशि के लिए। आपके तृतीय स्थान में केतु के छुड़ाए खेत छोटा भाई बहन के घर में, राहु की दृष्टि में, सूर्य की दृष्टि में, बुध की दृष्टि में एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव होने वाला है। तो छोटे भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी कम्युनिकेशन एनर्जी टॉप रहने वाला है नो डाउट। और आपके सप्तमाधिपति अष्टम में मंगल और शुक्र के साथ। नवम स्थान में नीच
का बुध राहु जड़ बुद्धि नीच जड़ बुद्धि लगाते हुए सूर्य के साथ ग्रहण स्थिति में, बुध आपके दशम स्थान से फिर से नवम में, शुक्र आपके नवम स्थान के और दशम स्थान में गुरु बृहस्पति के ऊपर शनि और का दृष्टि और मंगल के साथ दृष्टि है। इसी दशम स्थान से आपके लाभ स्थान में दो विच्छेदात्मक मंगल और केतु का दृष्टि है। प्रेम प्यार के स्थान में शनि मंगल का दृष्टि है, शनि और राहु का दृष्टि है। अब क्या कहेगा अप्रैल का महीना? आपका स्वास्थ्य थोड़ा विघटित हो सकता है, थोड़ा सा लॉन्ग्स इत्यादि में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा खट्टाकार अम्लपित बन सकता है। आपके द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार के क्षेत्र में शनि मंगल का एक साथ का दृष्टि, वाणी को कंट्रोल करना वरना समस्या में पड़ सकते हो, वाणी से ही कार्य हानि हो सकता है। धन के घर में पाप ग्रह का दृष्टि, ढेर सारे धन का हानि और धन को अवरुद्ध करना रोक देने का संभावना यहाँ बनता है, होते होते मिलते मिलते रुक जाने का संभावना। तृतीय स्थान के ऊपर केतु जो ग्रह दृष्टि प्रभाव बताया, इसके तहत यहाँ पर कहीं ना कहीं से धोखा का संभावना दिखाई दे रहा है। आंख खुलेगा, नया चीज देखोगे और समझ जाओगे। माता के घर में गुरु बृहस्पति का दृष्टि, चिंता का कोई बात नहीं है। भूमि भवन वाहन खरीद फरोख इत्यादि के लिए जरूर बाधा होगा, लेकिन फिर भी सफलता दिखाई दे रहा है। अच्छा वक्त है, खरीद लो। और मन आनंद और प्रसन्न साढ़े साथी होने के बावजूद भी रहने वाला है। प्रेम प्यार में धोखा का संभावना कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। शनि मंगल दोनों विच्छेदात्मक ग्रह, छात्र आपके बच्चे आपके बात नहीं मानेंगे। छात्र को पढ़ाई में थोड़ा सा जरूर दिक्कत होने वाला रहेगा। कुछ कंडीशन में बेटा बेटी के द्वारा कष्ट, बेटा से पीड़ा, बेटा को पीड़ा और बेटा का डैश 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 समझ लेना। प्रेम प्यार दाम्पत्य जीवन सप्तमाधिपति अष्टम में मंगल के साथ अष्टम का स्थान एक्टिवेट होने के कारण कई सारे चोर चपेट एक्सीडेंट टेंशन तनाव पीड़ा कर्म में बाधा, नारी के द्वारा बाधा, नारी से बाधा, नारी के द्वारा नॉट ओनली बीबी बाहर के भी, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना बड़ा जरूरी बनता है। और सप्तमाधिपति अष्टम में तो बड़ा संभावना यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप और किसी भी प्रकार के वाद विवाद, और कुछ लोगों का जिसका कुंडली खराब है डिवोर्स तक भी मैटर जा सकता है। डिवोर्स मिलेगा नहीं, लेकिन टेंशन नौटंकी तो बढ़ेगा ही। और इसका इस अप्रैल का महीना आखिरी दिन है, उसके बाद गुरु का दृष्टि यहाँ पर आ जाएगा, तो ढेर सारे ऐसे केसेस में आपको सुरक्षा भी मिलने लग जाएंगे। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं, आखिरी महीना थोड़ा झेल लो। कर्क राशि का भाग्यस्थान का बात करें तो भाग्यस्थान में बहुत ज्यादा सहायता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। धनाधिपति वहां पर जाके बेचा अपने से अष्टम में, और ये परिस्थिति आपके तृतीयाधिपति आपसे सप्तम अष्टम में, तो परेशानी का सबब तो है ही। मृत्युतुल्य पीड़ा, चोट चपेट, एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही मतलब प्रोन बन रहे हैं, सावधान रहने का आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र में गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए शनि की दृष्टि में, और यहाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन केंद्र में है बोल के सब कुछ कंट्रोल में ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कंट्रोल यही महीना आखिरी रहेगा, इसके बाद गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट के बाद आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहने का आवश्यकता रहेगा, कुछ ज्यादा समस्याएं बिल्डअप हो सकते हैं। बात करते हैं आपके लाभ और धन का बात। भाई मुझे यहाँ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लाभ के घर में मंगल और केतु का दृष्टि और धन के घर में शनि और मंगल का दृष्टि, बताओ कहां से आने वाला है ये महीना। कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो या लेक्स लो, ये कभी मैं चाहूंगा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।